Good morning, dear students. Today, in this video, we are going to learn new poem, that is, Why English is So Hard. First of all, we will recite the poem. We'll begin with a box and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. You may find a lone mouse or whole lot of mice. But the plural of a house is houses, not hives. If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pan be called pen? And I speak of a foot, and you show me your feet. But I give you a boot, would a pair be called a beat? That one may be that, and three may be those. Yet the plural of hat would never be hose. The masculine pronouns are he, his and him. But imagine the feminine, she, she's and shim. So our English, I think you will all agree, is the trickiest language you ever did see. So let's begin with the first stanza. We'll begin with a box and the plural is boxes. अगर एक बॉक्स है तो उसे कहेंगे ए बॉक्स और बॉक्स का प्लूरल फॉर्म होगा बॉक्सेस मींस एक से ज्यादा बॉक्स है तो उसे कहेंगे बॉक्सेस बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन नॉट ऑक्सेस ऑक्स मींस बैल एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑक्स अगर एक है तो उसे ऑक्स कहेंगे और अगर एक से ज्यादा है तो ऑक्सेस नहीं कहा जाता ऑक्स का प्लूरल फॉर्म होगा ऑक्सन ओके इसलिए पोएम का टाइटल दिया है व्हाई इंग्लिश इज सो हार्ड बिकॉज जरूरी नहीं है अगर बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस है तो ऑक्स का भी प्लूरल ऑक्सेस होगा नहीं ऐसा नहीं है प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन नॉट ऑक्सेस यू मे फाइंड अ लोन माउस और ए होल लॉट ऑफ माइस एक चूहा है तो उसे माउस कहेंगे और एक से ज्यादा है तो उसे कहेंगे माइस बट द प्लूरल ऑफ ए हाउस इज हाउसेस नॉट हाइस बट हाउस का प्लूरल फॉर्म होगा हाउसेस नॉट हाइस मतलब अगर माउस का माइस बनता है तो आप सोचेंगे कि हाउस का भी हाइस बनेगा नो ऐसा नहीं है यहां पर अलग रूल है माउस एक है तो माउस और एक से ज्यादा है तो माइस कहेंगे और एक घर है तो उसे कहेंगे हाउस और एक से ज्यादा है तो उसका प्लूरल फॉर्म होगा हाउसेस हाइस नहीं होगा नाउ सी नेक्स्ट स्टैंजा इफ द प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज कॉल्ड मेन मींस अगर एक आदमी है तो उसको मैन कहेंगे और उससे ज्यादा है मींस मैन का प्लूरल फॉर्म होगा मेन MEN मेन ओके व्हाई शुडंट द प्लूरल ऑफ पैन बी कॉल्ड पेन सो द पोएट इज सेइंग अगर मैन का प्लूरल मेन है तो पैन का प्लूरल पेन क्यों नहीं है अच्छा क्वेश्चन है लेकिन नहीं कहते क्योंकि इंग्लिश के रूल्स अलग है पैन का प्लूरल होता है पैंस और मैन का होता है मेन And I speak of a foot, and you show me your feet. But I give you a boot, would a pair be called beat? Foot means leg. अगर एक पैर है तो उसे कहते हैं foot, और दोनों legs को कहते हैं feet, okay? तो poet पूछ रहे हैं, जैसे foot का plural form होता है feet, वैसे boot का plural form beat है? No, वैसा नहीं है. Boot का plural form होगा boots. See next stanza. That one may be that and three may be those. अगर कोई चीज दूर है हमसे और एक ही है तो उसके लिए that कहा जाता है और अगर कोई चीज दूर है और वो एक से ज्यादा है तो उससे those कहा जाता है ठीक है So दूर है और एक है तो that कहेंगे और दूर है far away है और एक से ज्यादा है तो उसे दोस्त कहेंगे
Yet the plural of hat would never be hose. अगर एक हैट है तो उसे हैट कहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा हैट है तो उसे होस नहीं कहेंगे। जैसे दैट को दोस्त कहते हैं, वैसे हैट को होस नहीं कह सकते। हैट का प्लूरल फॉर्म है हैट्स, नॉट होस। ओके, द मैस्कुलिन प्रोनाउंस आर ही, हिज एंड हिम। मैस्कुलिन का मतलब होता है जो लड़कों के लिए प्रोनाउन यूज किया जाता है, मींस मेल के लिए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं ही, हिज एंड हिम। बट इमेजिन द फेमिनिन शी, शीज एंड शिम, तो वैसे ही फीमेल के लिए शी, शीज एंड शिम प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे मैस्कुलिन प्रोनाउन होते हैं ही, हिज एंड हिम, तो हम इमेजिन करेंगे कि फेमिनिन प्रोनाउन शी, शीज और शिम होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। फेमिनाइन प्रोनाउन होते हैं शी, हर्स एंड हर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट स्टैंजा। सो आर इंग्लिश, आई थिंक यू विल ऑल अग्री, इज द ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी। तो पोएट कह रहे हैं क्योंकि इतने सारे अलग अलग रूल्स हैं, इसके वजह से इंग्लिश लैंग्वेज है वो सबसे ट्रिकीएस्ट लैंग्वेज है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर पोएम, Why English is so hard. I hope you understood this. Thank you.